हेलो गाइस। तो आज हम आपको बताने वाले कि क्यों लेह लद्दाख हनीमून के लिए आइडियल प्लेस नहीं है। अगर आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे कि लेह लद्दाख हनीमून, तो आपको कई सारे ब्लॉग पोस्ट, कई सारे आर्टिकल, कई सारे पैकेजेस आपको मिल जाएंगे कि जो आपको रिकमेंड करेंगे कि लेह लद्दाख आपका कि मतलब एक आइडियल डेस्टिनेशन है हनीमून के लिए। पर लास्ट ईयर मैं लेह लद्दाख में था, तो मुझे वहाँ की कंडीशन पता है और मैं आपको आज बताना चाहूँगा क्यों लेह लद्दाख आपके लिए एक आइडियल हनीमून डेस्टिनेशन नहीं। तो सबसे पहले बताते हैं कि लेह लद्दाख हिमालय में बसा हुआ बिल्कुल नॉर्थ साइड में है, जिसके एक तरफ चाइना है और एक तरफ आपका कश्मीर है। तो ये हिमालय में है, यहाँ पे बर्फ़ बहुत पड़ती है, ठंड ज़्यादा पड़ती है। इसका मतलब ये नहीं कि ये बहुत मतलब ये एक तरह का इसको ठंडा डेजर्ट कह सकते हैं हम, यानी कि इसमें ठंड इतनी ज़्यादा है, ऑक्सीजन लेवल इतना कम है कि यहाँ पे पेड़ पौधे इतने ज़्यादा नहीं होते। तो लेह आपके 11,500 फीट की ऊंचाई पे है, इसका मतलब कि ये काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई होती है, क्योंकि इस ऊंचाई पे मतलब ऑक्सीजन लेवल है वो बहुत कम होता है, यानी आपको कुछ भी आपको काम करना पड़ता है, कुछ भी एक्टिविटी करनी पड़ती है, तो आपके उसके लिए आपको ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ती है। तो मैं आपको कुछ रीज़न बताता हूँ कि क्यों मतलब लेह लद्दाख हनीमून के लिए आइडियल डेस्टिनेशन नहीं है। तो आपको मैं आपको 5 रीज़न बताता हूँ क्यों लेह लद्दाख हनीमून के लिए आइडियल डेस्टिनेशन नहीं है। तो सबसे पहले जो मैं बताता हूँ कि आपको लेह लद्दाख में आपको अगर आप हनीमून के लिए जा रहे हैं, तो आपको कुछ 2-3 दिन एक्स्ट्रा आपको प्लान करने पड़ते हैं, क्योंकि आप लेह लद्दाख में जाने के बाद यूँ नहीं कि आप सीधा घूमने लग जाते हैं। आपको 1 से 2 दिन आपको एक्लिमेटाइजेशन के लिए चाहिए होते हैं, यानी आप इंडिया के किसी भी पार्ट से आ सकते हैं। तो सबसे पहले आप दिल्ली आएंगे, फिर दिल्ली से फिर आप फ्लाइट पकड़ेंगे, तो फिर आप सीधा लेह उतरेंगे। वो लेह में जो आपका जो इन्वायरमेंट चेंज है वो काफ़ी एक्सट्रीम रहता है, तो उस वजह से आपको 1 से 2 दिन आपको लगेंगे उस इन्वायरमेंट में आपको अपने आप में ढलने के लिए। और अगर आप सोचते हैं कि एक्लिमेटाइजेशन मैं स्किप कर दूंगा, अवॉइड कर दूंगा, तो आपको हेडेक रहेगा, आपको उल्टियाँ भी हो सकती है, चक्कर आएंगे। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है जो हाई एल्टीट्यूड पे होती है, तो इसको फेस करने के लिए आपको 2 दिन आपको एक्स्ट्रा आपको लेह में गुजारने पड़ेंगे, ताकि आप वहाँ की आबो हवा से आपका जो शरीर है वो एकदम उसको उसके अनुसार ढल सके। तो इससे आपकी क्या होगा, 1-2 दिन बढ़ाने से आपकी जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी, यानी होटल की प्राइस हो गया, ये हो गया, फिर आपका खाने का हो गया, फिर आप 1-2 दिन में आप होटल में बैठने वाले हैं नहीं, आप घूमेंगे थोड़ा ये भी करेंगे, तो आपको लेह सिटी में ही आपका मतलब 2 दिन आपका वेस्ट हो जाएगा। और लेह में इतना कुछ घूमने का है नहीं, आप जितनी भी जो उसकी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वो कम से कम आधे दिन में आप कवर कर सकते हैं, यानी इसके बाद 1 दिन आपका पूरा पूरा आप उसमें वेस्ट ही करोगे, तो आप इतना कुछ वहाँ पर लेह सिटी में है नहीं। सेकेंड रीज़न है कि लेह लद्दाख में जो जितनी भी घूमने की जो प्लेसेस है, जैसे आप पेंगोंग सो लेक है जो 3 डेड्स लेक के नाम से जानी जाती है, खाजुंगला पास है, नुब्रा वैली है, तो ये सब डेस्टिनेशन बहुत दूर दूर है, यानी आपको वहाँ तक आपको जाने के लिए या तो आपको बाइक हायर करनी पड़ेगी या फिर आप टैक्सी वगैरह कॉस्ट करेंगे। तो ये जो कॉस्ट होती है ये काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें आपको खाजुंगला पास कई सारे पासेस पास करने पड़ते हैं उस डेस्टिनेशन पहुँचने के लिए। फिर प्लस ऐसा भी नहीं है कि आप 1 दिन में जाके और सुबह निकलोगे और शाम को वापस आ जाओगे, तो आपको 2 दिन आपको पूरा लगता है इसमें केक जाने का, फिर आप रात रुकोगे और फिर वापस नेक्स्ट डे आप वापस निकलोगे। तो इसमें आपकी क्या होगा कि जो टैक्सी की जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि आपका फिर आप 1 दिन का 1 या 2 दिन का आपका नाइट स्टे भी होगा, तो आपको जो टैक्सी ड्राइवर यहाँ से ले जाएगा वही वापस आपको वापस लेके आएगा। तो इसमें जो आपकी टैक्सी की कॉस्ट है या फिर आप खुद बाइक हायर करते हैं जो भी है, तो उससे आपकी कॉस्ट काफ़ी बढ़ जाएगी। तो आने सोचिए कि आप 2 दिन आप नुब्रा वैली के लिए आप वेस्ट कर रहे हो, फिर 2 दिन फिर आप पेंगोंग सो के लिए वेस्ट कर रहे हो, फिर आप अगर और भी डेस्टिनेशन घूमना चाहते हो जैसे सोमोजीरी लेक हो गया, तो फिर आप और 2-3 दिन उसमें ऐड हो जाएंगे, तो जो टैक्सी का जो एक्सपेंडिचर है वो बहुत ज़्यादा आपका बढ़ जाएगा। थर्ड जो चीज़ है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप हनीमून पे जा रहे हैं, आप अपने पार्टनर के साथ घूमने जा रहे हैं, वहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, लेकिन आप बता दूँ कुछ भी आपको वहाँ फिजिकल एक्टिविटीज़ करने के लिए आप बहुत ज़्यादा थक जाएंगे, आपका जो फटीग लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, यानी लेह लद्दाख का जो इन्वायरमेंट है वो आइडियल प्लेस नहीं है कि अगर आप अपने पार्टनर के साथ कुछ हसीन पल बिताना चाहते हैं, तो वो आप सोच लीजिए कि आप 5 मिनट के अंदर ही थक जाने वाले हैं, तो आप ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। तो आप समझदार हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं खुल के नहीं बोल सकता यूट्यूब चैनल पे, लेकिन आपको बता दूं कि आप खाली आप सीढ़ियाँ उतरेंगे चढ़ेंगे ना, इसमें भी आप बहुत ज़्यादा वहाँ पे थक जाते हैं, आपकी सांसें फूल जाएगी, तो आप समझ लीजिए क्या हाल होने वाला है आपका उस इन्वायरमेंट। चौथा जो रीज़न है कि आपका जनरली आप हनीमून पे जाते हैं, तो लड़कियाँ वगैरह जो आपके जो पार्टनर होते हैं या फिर आप लड़के होते हैं, आप खुल के अच्छे से मतलब इतने जो ड्रेसेस आप घर पर नहीं पहन सकते, आप वो वहाँ पर पहनने की ट्राई करते हैं, लेकिन वहाँ पर ऐसा है नहीं, क्योंकि लेह लद्दाख में
जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो है बुद्धिज्म और मुस्लिम्स। यानी ये दोनों ही कल्चर ऐसे हो गए जहाँ पे आपको अलाउ नहीं करते कि आप वहाँ पे कुछ खुल के ऐसे ड्रेस पहन सके, आपको प्रॉपर ड्रेसिंग ही पहनना पड़ता है। क्योंकि आप जो बुद्धिज्म कई कई सारे जो आपके टेम्पल्स है वहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ जाएंगे तो आपको अगर आपकी ड्रेस प्रॉपर नहीं होगी तो वहाँ आपको एंटर नहीं करने देंगे। और प्लस वहाँ का कल्चर भी जो है तो वो आपको ऐसा अलाउ नहीं करता वहाँ पे इतना कि आप इस टाइप के ड्रेसेस आप खुल के पहन सकते हैं। तो ड्रेसिंग के लिए अगर आपका थोड़ा सा पाबंदी वहाँ पर रहेगी तो ये आप भी एक कंसिडर कर सकते हैं एक रीज़न। नेक्स्ट आपका जो एक सबसे बड़ा सी रीज़न है वो है वेदर। यानी लेह लद्दाख का जो टाइम होता है कुछ 2-3 महीने का ही टाइम होता है, जो समर के समर और बारिश के बीच में आता है। तो यानी अगर आप सर्दियों में अगर आपकी जो वेडिंग हो रही है उस टाइम अगर आप सोच रहे हैं कि आप हनीमून पे जाने के लिए, तो आपके लिए लेह लद्दाख कम्प्लीटली क्लोज रहता है। आप जा सकते हैं, फ्लाइट्स ऑन रहती है, आप लेह पहुँच सकते हैं, लेकिन वहाँ पे ठंड इतनी एक्सट्रीम रहती है और सारे पासेस तकरीबन बंद हो जाते हैं। तो वो एक आइडियल जो टेम वेदर होता है जो वो सूटेबल नहीं होता है कि टूरिस्ट के लिए हम वहाँ पे जाए करें। तो ये 5 चीज़ें मैंने आपको बताया कि क्यों लेह लद्दाख एक आइडियल प्लेस नहीं है हनीमून्स के लिए। तो पहला रीज़न ये था कि जो आपको 2-3 दिन एक्स्ट्रा चाहिए एक्लिमेटाइजेशन के लिए, जिससे आप उसकी हवा हवा में आपका शरीर आपका उसमें आपका ढल सके। नेक्स्ट जो रीज़न आता है वो है एक्सपेंसिव टैक्सी कॉस्ट। यानी जो कॉस्ट वगैरह जो टैक्सी की है बहुत ज़्यादा पड़ जाती है, क्योंकि आपको दूर सारी जो लोकेशन है वो काफ़ी दूर है लेह सिटी से। थर्ड जो आपका आता है जो फिज़िकल एक्टिविटीज़, जिसमें आपको बहुत जल्दी आप थकने वाले हैं, तो वो भी आप उसका ध्यान रखिए कि आप खाली सीढ़ी से ऊपर नीचे होने में ही आप जितना थक जाएंगे तो आप सोचिए कि आप अपने जो खास पल है वो कैसे बिताएंगे। चौथा रीज़न है वो है ड्रेसिंग सेंस। यानी आपका जो ड्रेसिंग से वो आप खुल के नहीं पहन सकते जो आपको गोवा या फिर किसी बीच डेस्टिनेशन पे आप पहन सकते हैं। आपको पूरे प्रॉपर ड्रेस पहननी पड़ेगी। तो उस हिसाब से आपको ये एक और चौथा रीज़न है जो आप अगर आप सोच रहे हैं कि आप खुल के कुछ भी पहन सकते हैं जो आपको अपने, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। पांचवा रीज़न है वो वेदर का है। वेदर में मतलब आप खाली समर और मानसून के बीच का ही टाइम रहता है जिसमें लेह लद्दाख आप घूम सकते हैं। तो अगर आप मोस्टली जो अपनी वेडिंग्स होती है इंडिया में वो सर्दियों का टाइम होती है, तो उस टाइम फिर आपको वेट करना पड़ेगा कि कब गर्मी आएगी और तब हम हनीमून पे जाएंगे। तो उससे बढ़िया फिर आप गोवा वगैरह जा सकते हैं, गोवा हो गया, केरला हो गया, राजस्थान जा सकते हैं। तो गाइस ये मैंने 5 रीज़न बताया कि क्यों लेह लद्दाख आइडियल लोकेशन नहीं है हनीमून के लिए। नो डाउट कि लेह लद्दाख का जो लैंडस्केप है वो है वो आपको पूरे इंडिया में कहीं नहीं मिलेगा, यहाँ तक कि पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। इतना बहुत खूबसूरत जगह है, खूबसूरत जगह है। इसका मतलब ये नहीं कि आप वहाँ पे हनीमून पे जाएँ। आप बाहर में जाइए घूमने के हिसाब से, नॉर्मल घूमने के हिसाब से जाइए तो आपको बड़ा मज़ा आएगा। मैं वहाँ पर लास्ट ईयर गया था रोड ट्रिप पर, हमने पूरा दिल्ली से पूरा लेह लद्दाख का जो सर्किट होता है वो कम्प्लीट किया था। तो मेरे को एक्सपीरियंस है कि लेह लद्दाख कितना खूबसूरत है, और वहीं पर मुझे आइडिया लग गया था कि क्यों ये लोकेशन एक आइडियल प्लेस नहीं है। क्योंकि मुझे भी 2-3 दिन हेडेक रहा था वहाँ पे, वो काफ़ी दिक्कत आई थी। तो कुछ भी आप करते हो तो बाद ज़्यादा थक जाते हो। तो भाई आपको अगर लेह लद्दाख से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछने हो तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, आप मैं उसका रिप्लाई दूंगा। और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपको और जो टिप्स वगैरह है मैं आपको दे सकता हूँ, इन फ्यूचर वीडियोज़ आपको वो मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। बाय बाय।